रही हूँ। पहले मैं आपको एनिमल पोज सिखाती हूँ। पहले इस साइड देखिए, अपने पैर को ट्रायंगल शेप का और बैठिए, स्क्वायर शेप बनाइए एक पैर का। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप डिस्टेंस बना लो। अपने हाथ को ऊपर ऊपर ऊपर, ये हो गया हॉर्स पोज। अपने हाथों को धीरे से नीचे, पैर को स्ट्रेट, पीछे आ जाइए। कैट पोज, काउ पोज, हम लोग कैट एंड काउ पोज करने वाले हैं। कैट, काउ, कैट, काउ, आप ऐसे करते रहिए। कैट में नीचे सर, काउ में ऊपर सर। अब हमें करना है उष्ट्रासन। इस साइड देखिए, पैरों को सीधा, कमर पे हाथ रखिए, हाथ को सर को नीचे की तरफ और हाथ को हो गया उष्ट्रासन। हमें बहुत देर तक रहना है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बाल पोज, खड़े हो जाइए। हम लोग डॉग पोज करने जा रहे हैं। सीधा खड़े हो जाइए, हाथों को सीधा नीचे नीचे नीचे, पैर को दूर करिए हाथ से और इनको जोड़ लीजिए और हाथ सर के बगल बगल, दोनों हाथ, और सर को उठाना है। अब हम करने जा रहे हैं आसन। अब मकर आसन, अब हम लोग आसन करने वाले हैं भुजंगासन। हम लोग इस साइड देखेंगे, पैरों को उष्ट्रासन जैसा करके लेटिए, हाथों को सीधा, हाथों को ऐसे ऊपर की ओर देखिए। अब मैं आपको इस भुजंगासन में एक और आसन दिखाती हूँ। आपको यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगी। अब रिलैक्स पोज में आ जाइए। सीधा हाथों को, सीधा पैरों को, दोनों हाथ का ट्रायंगल शेप बनाइए और पैर का एक बड़ा सा रिलैक्स। अब हम लोग सर्वांगासन करने जा रहे हैं। एक और बार ट्राई करते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो एक
आप एक और बार ट्राई कर सकते हैं, सीधा लेटिए पैरों को ऊपर, हाथों को पहले अपने बट पे रखना है, फिर ऊपर रखना है पैर। अब हम लोग हलासन करने जा रहे हैं, उस साइड मोड़िए जिस आसन में हम इस आसन के पैर कर रहे थे, ऊपर स्पेस होना चाहिए, एक और आसन इसके साथ, हाथों को पता लीजिए गैप होना चाहिए फोरहेड के और जांग में। अब हम लोग धनुरासन करने जा रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ऐसे तो कर सकते हैं, आपसे हो रहा है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। और ऊपर की तरफ देखिए, आपको होल्ड करके रखना है, करने वाले हैं। रिलैक्स पोज में मेरे चाहिए, बालों को सीधा और हमें सर को उठाना है, बैलेंस। अगर आपसे नहीं हो रहा ऐसा तो आप ऐसे कर सकते हैं, मुझसे हो रहा है तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। आपको ताकत लाना पड़ेगा, हमें सारे आसन के बाद थक जाते हैं तो हम लोग रिलैक्स पोज में आ जाते हैं। अगर आपको और रिलैक्स करना है तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए, हाथों को पेट में रखिए, पैरों को ट्रायंगल शेप में, और ये हो गया हमारा सारा आसन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको मेरी स्कूल की राइम्स वाली पसंद आई उसको बिल्कुल भी लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब। धन्यवाद।